गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा ही होगा, कितना ज़्यादा यानी एकदम मेरे खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग था और जगह के लिए तो एक्सट्रीम सरप्राइज था, क्योंकि ना मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं ये गिफ्ट दे पाऊँगी और चिकू ने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रोमा मुझे ये गिफ्ट देगी। पर दोनों को ही काफ़ी मज़ा आया और चिकू तो क्या खुश है, एक दो दिनों से उनको तो यानी मज़ा ही मज़ा आ गया है। और साथ ही साथ मुझे भी यार बहुत खुशी हुई क्योंकि मैं फ़र्स्ट बार ऐसी कुछ चीज़ दे पाई जो उनको चाहिए थी, एक्चुअल में उनको चाहिए थी। सो बहुत अच्छा लगा। और आज के दिन मैं सुबह 3 बजे की उठी हुई हूँ क्योंकि मेरी अर्ली मॉर्निंग ब्राइड्स थी, तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ क्योंकि मैं सुबह व्लॉगिंग मैंने स्टार्ट नहीं की थी क्योंकि एक्सट्रीम एकदम फटाफट से हुआ कि मुझे 3 बजे जाना था मेकअप करने। हालांकि पहले ब्राइड ने बताया नहीं था कि मुझे इतना अर्ली मॉर्निंग आना है। फिर बाद में देखिए, एक ब्राइड आई, फिर दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर चौथी आई, 4 ब्राइड्स थी, इसलिए मैं बैक टू बैक लगी हुई थी उन्हीं के पीछे। फिर फाइनली मैं 10 बजे घर पे आई हूँ और 10 बजे घर पे आने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, आधा घंटा कुछ ऐसा कुछ सो गई, उससे मैं थोड़ी रिलैक्स हो गई। आप देख सकते हो फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग होगी क्योंकि अभी जस्ट उठी हूँ मैं, तो अभी उठी हूँ। मेरे लिए मैंने कुछ भी चाय नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, अभी थोड़ी सी चाय बना लेती हूँ, चाय बनाती हूँ। एक बार थोड़ा हेडेक भी हो रहा है, हल्का हल्का हेडेक हो रहा है, हल्का हल्का माइल्ड माइल्ड सा। और जो सोने के उठने के बाद जो हम सोते हैं वो क्या नींद होती है यार, आधे घंटे की दिन नींद ऐसी थी ना कि मुझे यूँ हो रहा था उठू ही नहीं, बस सोई रहो तो लेट ही रहो। क्या खा रहा है? वो खा रहा है क्या कहते हैं, जामफल। और आज मुझे साड़ी पहनने की इच्छा हो गई तो मैंने साड़ी पहनी है, फिर पूरा दिन साड़ी पहन के पछताऊंगी कि मैंने आज साड़ी क्यों पहनी, क्योंकि साड़ी पहनती उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है। एक्चुअल में सुबह काम था, पर ठीक है ना, मैं यूज़ टू हूँ मुझे, इसलिए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा हैंडल नहीं कर पा रही हूँ या फिर ऐसा। पर देखने वाले को लगता है यार कैसे ही मैनेज कर रही हूँ, पर हो जाता है। चाय बनाते हैं, दूध कौन सा ले, अंदर है दूध। और अब आ गई है गर्मियाँ, क्या गजब की हर जगह पर छिपकलियाँ निकली हुई रहती है। मुझे तो गर्मियाँ इसलिए ही नहीं पसंद है, बाथरूम में जाओ वहाँ छिपकली, वॉशरूम में जाओ वहाँ छिपकली, किचन में आओ वहाँ छिपकली। चाय तो मैंने पी ली है और अब खाना बनाने की मैंने तैयारी भी आधी अधूरी कर दी है। यहाँ पे चावल भिगा दिए, यहाँ पे दाल बॉईल हो रही है, ये आटा बांध दिया है। और क्या बता, मुझे पूरा काम करने का टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सैलून से भी कॉल आ गया है क्योंकि वहाँ पे भी सैलून पे भी रोशनी बिजी है। और कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको मुझसे ही काम कराना होता है, जैसे कि आईब्रोज वगैरह, उनको मेरी ही हाथ की सेट होती है, तभी मुझे जाना पड़ सकता है। तो जितनी देर में मुझ पर कॉल नहीं आता है फिर मैं कॉल करके पूछ लेती हूँ, अगर मेरी ज़रूरत है तो ही मैं आऊँ, बाकी नहीं तो मैं पूरा काम कंप्लीट करके जाऊँगी। अरे बैटरी लो है, मैं चेंज करके आती हूँ कैमरे की। बैटरी देखिए तो बैटरी लो है और मुझे अभी जाना है शॉप पे भाई, भागते दौड़ते जाके आ जाती हूँ। नहीं तो चिकू, ओ चिकू कहाँ गए, जवान नहीं है। वाह, मैं तो टिफिन ही मेरा मंगवा दूंगी, और क्या बाकी सब तो हो गया, सिर्फ रोटियां उतारनी बाकी। कुछ नहीं, आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। सो गाइस, मैं आ गई थी बिगर खाना खाए ही शॉप पर, तो अभी फिर मेरे लिए आ गया है टिफ़िन क्योंकि मैंने खाना खाया नहीं था और ऑलमोस्ट सब हो गया था, सिर्फ रोटी बनानी बाकी थी, पर क्लाइंट थे तो सो मुझे आना ही पड़ा। तो अभी मैं खाना खाने बैठने वाली हूँ। खाने में तो मेरे को पता है क्या बना है क्योंकि मैं ही दाल बना के आई थी, इसलिए मूँग की दाल बनाई है, रोटी। अभी टिफ़िन खोलते हैं। सो गाइस, मैंने अभी रोशनी का जो पार्सल आया वो कपड़े मैंने पहन लिए एक बार क्योंकि मुझे अच्छा लगा था सूट, मैं ट्राई कर रही थी, अभी पहन के जाती हूँ बाहर। चिकू को फ़ोन देना है, उनका क्या रिएक्शन रहता है, जब चेक करते हैं। देखते तो मस्त है, मेरा नहीं है।
रोशनी का मैंने पहन के देखा मस्त है, कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा है, मंगवा दो कम का ही। चिकू को वो सूट इतना अच्छा लगा कि चिकू ने बोला कि तुम मुझे लिंक सेंड कर देना, मैं तुम्हारे लिए मंगवा दूंगा। और मुझे भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इस टाइप के सूट मैंने पहने काफ़ी टाइम हो गया, पहले पहनती थी पर अब नहीं पहनती हूँ। फिर मुझे टाइम मिला तो आज फाइनली मैंने हैंड्स पे वैक्सिंग करवा ली है, थोड़ा अब अच्छा लग रहा है। बाकी तो इतने ज़्यादा हेयर ग्रोथ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। मैं रोशनी, तमन्ना दीदी तीनों बैठे हुए थे तो साथ में, फिर बैठे बैठे रोशनी को बड़ा, वो आप जानते ही हो उसका नेचर, उसको बड़ी चटुकली है वो, तो उसको खाने की इच्छा हो गई सैंडविच, तो अभी वो लोग सैंडविच लेने के लिए गए। मुझे कोई खाने की इच्छा नहीं है क्योंकि मेरा टिफ़िन यहीं पे आया था और मैंने 2 बजे ही खाना खाया, 2 से 2:30 बज गई थी कुछ, तो उसी के चक्कर में अभी भूख तो नहीं है मुझे, पर ये लोग लेके आ रहे हैं, थोड़ा वो देख के खाने की इच्छा तो भी चलती। अरे यार बिंदी गई नहीं है, अब गर्मी आएगी ना, अब मुझे बिंदी की इतनी प्रॉब्लम होगी, मेरी बिंदियाँ ही नहीं रहेंगी। फिर मुझे बिंदी दिन में 4 से 5 बार चेंज करनी पड़ती है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है ना, तो होता ही रहता है क्योंकि मैं आते जाते कुछ भी फेस पे बांधती नहीं हूँ, सो हो जाता है, पर बांधना चाहिए। पर मैं अच्छे से स्किन केयर करती हूँ सो मुझे नहीं लगता है मुझे ज़रूरत है, क्योंकि स्किन केयर मैं इतना अच्छे से करती हूँ, प्रॉपर टोनर, मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन, और अब गर्मी में तो फिर हाथों वगैरह पे भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आने जाने का काम ज़्यादा रहता है, स्कूटी पर ही रहता है, तो फिर वो बहुत डस्ट एंड ऑल बहुत गजब का हो जाता है। अभी हमारा टेस्टी सा यम्मी सा सैंडविच आता है, फिर खाते हैं। कपड़े निकाल के रख दिए, जिन पर ट्यूटोरियल बन गया है वो निकाल के रख दिए, इस पर ट्यूटोरियल बनाना बाकी है तो अब इस पर बनाना है। और मैंने साथ में इसके साथ ज्वेलरी भी निकाल दी है, इसीलिए मैंने मैन वैक्सिंग करवाई क्योंकि इसका जो ब्लाउज़ है वो स्लीवलेस है तो अच्छा नहीं लगता है ना, फिर वैक्सिंग नहीं की हुई होती है तो इसलिए मैंने करवा दी वैक्सिंग। तो आई होप कल तक नहीं तो, कल तो मेरे मेकअप है, आज के मेकअप मैंने निपट लिए हैं, कल के मेकअप है तो कल देखती हूँ, अगर कल जल्दी तो मेकअप शाम के ही रिसेप्शन के ही मेकअप्स हैं, कल तो मैं फुल डे बिजी हूँ यार, तो कल तो नहीं बना पाऊँगी ट्यूटोरियल, पर मेक श्योर करेंगे कि परसों तो बना ही लें क्योंकि प्रोडक्ट्स आए हुए हैं तो फिर उसके ऊपर ट्यूटोरियल बनाना ज़रूरी है क्योंकि मुझे आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने हैं और साथ साथ में अच्छे अच्छे लुक्स क्रिएट करके बताना है ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे आइडिया है रहता है ना, एक आइडिया मिलता है तो आपको ना और भी आइडियाज़ चाहिए हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ मेरे मेकअप लुक्स के। हो सकता है आपने मेरे यूट्यूब चैनल पर एक एक व्लॉग्स देखते हो, मेकअप ट्यूटोरियल नहीं देख रखे हो, पर मैं मेकअप ट्यूटोरियल के जो फोटोज़ होते हैं वो मैं इंस्टा पर डालती हूँ तो आप जाके वहाँ पर चेक करो। और हाँ, आपको मेरा सलोन का वर्क देखना है तो आप मुझे रोमा मेकअप स्टूडियो पर फॉलो करो, उसके ऊपर मैं कंप्लीट जितनी भी मेरी ब्राइड्स वगैरह रेडी करती हूँ, कंप्लीट तो नहीं कर पाते फोटोशूट क्योंकि ब्राइड्स बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में रहती है, कभी तो क्या रहता है ना कि लास्ट हम हेयर स्टाइल कर रहे होते हैं बाहर से चिल्ला रहे होते हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, फिर उस चक्कर में ना सारा बहुत ज़्यादा इतना हड़बड़ाहट में फिर शूट वगैरह हो ही नहीं पाता है, पर तो भी ट्राई करते हैं कि कुछ बन जाए, फिर बना लेते हैं फिर पोस्ट करते हैं। हमारे सैंडविच आ चुके हैं, अभी इनको अनबॉक्स करेंगे। हमारे यहाँ पर ऐसा मैसी मैसी रहता है, सबसे बड़ी बुक्कड़ी है, इसको बहुत ज़्यादा स्वाद आता है। बोल ना, बोल कुछ, बोल 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 ले, अब क्या चुप है, बता बता। ये सैंडविच जो कि बेस्ट है। आज तो हमने इतना सैलून पे काम किया है, यानी आप बात जाने दो, इतना ज़्यादा मेंटेनेंस किया है हर जगह पर, यानी इतनी सारी चीज़ें खाली कर दी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे जो वॉश करने थे वो टॉवल ले लिए हैं, ये सब सोफ़ा हम बाहर शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज़ क्या है ना, जब बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है तब बहुत दिक्कत होती है और एक दूसरे को देख देख के क्लाइंट यानी इसका ये सही नहीं हो रहा वो सही नहीं हो रहा है करके परेशान ज़्यादा करते हैं यार, क्योंकि वेटिंग एरिया हमने यहीं पर बना रखा है और इससे रोशनी बहुत चिढ़ती है, फिर मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत परेशान करता है रोशनी बड़ी चिढ़ती है, तो हमने यही फाइनल रखा है कि अब वेटिंग एरिया पूरा बाहर ही कर देते हैं। ब्लाउज़ मेरा कंप्लीट है कल परसों के ट्यूटोरियल के लिए और अब जाने का टाइम हो गया है घर पे, तो चिकू आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, ये सारा मेरा लगेज ले लेती हूँ बाहर ले जाने का क्योंकि इन पर ट्यूटोरियल बन चुके हैं। अरे अभी तो अंदर आई क्यों, 7 बजे आ गए मैं पार्लर छोड़ के जा रही हूँ, वो खुश कितने हो रहे हैं मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, इतना कहते हैं मैं तो राजी राजी हो तुम, कौन राजी नहीं होता है, राजी हो तो ये निपट जाए कल तक।
ये हमारा टॉक पॉइंट है, यहाँ पर रहकर हम यानी बहुत सारी बातें करते हैं, अच्छी अच्छी। बाकी हम यानी मैं कह सकती हूँ ना आपको कि हम रूम में जाके भी इतनी बातें नहीं कर पाते जितनी यहाँ पर खड़े खड़े कर लेते हैं। और अच्छे से बातें ऑल ओवर बातें करने का मज़ा होता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो डिस्कस होते हैं यहाँ पर। क्यों, सही बात है ना, जो सोच भी नहीं सकते ना वो पॉइंट्स यहाँ पर आके डिस्कस होते हैं। घर पे आई, सारा सामान जो लेके आई थी सैलून से वो सारा वापस मैंने जमाया, और अभी मैंने देखा कि मेरी बिंदी गायब है। तो बिंदी लगाती हूँ, देखा ना अभी घर में शुरुआत भी नहीं हुई और मेरी बिंदी गायब होना चालू। मस्त, अभी घर पे आने के बाद मैंने खाने की तैयारी की, और गैस पॉट आज खाने में क्या बन रहा है, सुबह हमारी बनी थी मूँग आखे मूँग की दाल, यानी आखे मूँग यानी पूरे मूँग की दाल, तो वो थोड़ी सी बच गई थी और पालक भी पड़ी हुई थी, तो उसको मिक्स करके हमने पराठे बना दिए, पालक और मूँग के पराठे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे खाने के लिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे, और साथ ही साथ हमारी जो मूँग की दाल है वो भी वेस्टेज नहीं हुई, उसका भी बन गया। और आप में से ऐसा ऐसा कौन करता है मुझे बताओ, क्योंकि ऑलमोस्ट लेडीज़ ऐसा करती है। आपकी कोशिश मेरे अंदर क्यों सर्च कर रहे हो? क्या मेरे यहाँ पे सर्च हुआ आपकी कोशिश सॉन्ग? अच्छा, तो आप में से ऐसा कौन कौन करता है बताओ मुझे, क्योंकि ऑलमोस्ट इंडियन लेडीज तो ये करती ही हैं, पर और अच्छी अगर कोई इससे रेसिपी बनती हो तो थोड़ा हिंट देना कमेंट सेक्शन में। तो अभी ये तो मस्त आके यहाँ पे सो गए, और इनकी फेवरेट चीज़ बन रही है, इनको पराठे पसंद है आप जानते हो, मेथी के तो इनके फेवरेट है, देख के क्या बोले मेथी के पराठे बना रहे हो, पर मेथी नहीं आज पालक है, आज टेस्ट थोड़ा सा अलग आएगा। वो भी अच्छा लगता है, ये ऑलमोस्ट चरखी पूड़ियाँ ऑल ओवर अच्छी ही लगती है। और ये भाई साहब इनके कुछ भी खाना खाना चलता ही रहता है। आज तो मेरे पैर बहुत ज़्यादा दुख गए, क्योंकि इतने टाइम बहुत देर तक खड़ी रह गई थी, क्योंकि पालक भी साफ़ करनी थी और रोटी भी बनानी थी। तो ये हमारे आज का खाना है, पालक के पराठे और गुलाब जामुन रसमलाई रने केसर बाटी और ये पापड़। चिकू कल लाए थे तो खा लेते हैं, मेरे को तो बड़े बात है बहुत ज़्यादा पसंद है। आपको कैसे लगे पालक के पराठे? अच्छे थे ना। सच्ची में आप क्या कर रहे हो? वर्क। ओके, तो चलो मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मम्मी ने है ना मेरे को और चिकू को दोनों को गाजर दी, जो कि खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है, यानी मीठी मीठी मस्त लग रही है। क्योंकि चिकू के पास जब लेके आए ना मम्मी, तभी चिकू ने बोला मीठी होनी चाहिए गाजर, और मस्त इतनी अच्छी लगी। मैं यहाँ पर काट के थोड़ी ज़्यादा ले आई चिकू के लिए। क्रंची भी अलग टाइप की, फ्रेश टाइप है। फ्रेश क्रंची है। पर गाजर एक चीज़ है, फ्रेश वाली मस्त मजे, और देसी गाजर का टेस्ट एकदम अलग ही लगता है। तो अभी मेरा फुल एंड फाइनल व्लॉग एडिट हो रहा है, फिर मैं और चिकू बैठ के मस्त बातें करेंगे। आज मैंने शॉप पे थोड़ा काम किया है तो हाथ ड्राई हो गए एकदम से, तो मैं अभी हैंड क्रीम ढूंढ रही हूँ। मेरे को जैसे ही मेरी हैंड क्रीम मिलती है वैसे लगाती हूँ, क्योंकि थोड़ा खिंचा भी रहे हैं हाथ और जलन भी हो रहे हैं। बताओ क्या, कोकोनट ये तो ब्यूटी को ये है तो अच्छा ही है, बट मुझे मेरी हैंड क्रीम चाहिए। मेरे क्या वो मैं